नमस्कार, 30-30 स्टाइम में आपका स्वागत है। देश भर से सभी जो लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार को 4 बजे हम आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई यार, तो मुझे लगा कि आज शुरुआत में आपके साथ 2 मिनट की वो कहानी शेयर कर लेते हैं। आज का प्रोग्राम हमारे साथी आईसर पुणे की जो टीम है और हमारे साथी लोग जो वहां पर बैठे हैं वो करने वाले थे, लेकिन पुणे में आजकल काफी ज्यादा महामारी का प्रकोप है, उस कारण से वो कर नहीं पाए। तो लास्ट मोमेंट पर ये डिसाइड करा कि यहीं से मैं उसको एंकर करने की कोशिश करूंगा। सो ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू ऑफकोर्स से इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल टू हैव द अपॉर्चुनिटी अगेन टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम सोच रहे थे पुणे से आपके सामने लाइव आएंगे, लेकिन वापस से गांधीनगर से लाइव आ रहे हैं। और मेरा नाम मैं फिर से बता देता हूं, मेरा नाम मनीष जैन है और मैं यहां पर साबरमती के किनारे आईटी गांधीनगर से बोल रहा हूं, जहां पर हमारी छोटी सी लैब है, जहां पर हम लोग, ये हमारी लैब है और हमारा काम सिर्फ ये है कि किसी तरह से आंखों में वो चमक वापस आ जाए, किस तरह से हम ऐसे पाठ्यक्रम या ऐसी चर्चाएं करें विज्ञान और गणित आसपास, हमारी जिंदगी के आसपास की जुड़ी हुई गणित और विज्ञान को एक्सप्लोर करके आपके सामने लेकर आए। द ब्यूटी मैजिक एंड मिस्ट्री ऑफ साइंस दैट इज ऑल अराउंड अस एंड लेट्स ट्राई टू अनलॉक दैट ब्यूटी एंड मैजिक एंड मिस्ट्री। सो थैंक यू सो मच everybody who's joining. I of course want to take this opportunity to thank CBSC, DST, NCERT aur tamam of course jo hamari saathi team hai sir Pune, jo tamam state bhar ke log jo hamare saath jude hue hain, jin logon ne ye sare UP ke SCERT and MP and Rajasthan and Odisha, all the states who are sending these messages, the sahoday and of course India Science के तरफ से भी एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं शायद, और मुझे किसी ने बताया था कि ई विद्या चैनल एक है, हमारे घर में टीवी नहीं है तो हमें पता नहीं चलता, बट अपेरेंटली टीवी में ई विद्या चैनल है, वहां पर भी आज हम बहुत ही उत्कृष्ट प्रोग्राम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो उसमें बैठ के सलाहकार की जैसे ही काम कर रहा था शनिवार तक, रविवार तक, और आपके सामने हम बहुत ही पेड़ों के ऊपर चर्चा करने वाले, और बहुत सारे मैं आपके सामने तथ्य फेंक दूंगा, बहुत सारे आपके सामने डेटा दूंगा, बहुत सारे नंबर्स दूंगा, और उसके पीछे भाव, अगर एक मैं कहना चाहूं तो वो भाव पहली पिक्चर में आपके सामने जो था वही पिक्चर, और मुझे बहुत खुशी थी कि मैं उसके आंसर्स अगर देखूं तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए हुए थे, और ये मैं पहले अपनी आईपैड की स्क्रीन बंद कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, और यही मुझे लगता है सबसे उत्कृष्ट कारण है आज हम पेड़ों के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। मैं सवाल अगर पढ़ूं तो सवाल क्या है कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई देता है, आपको इस चित्र में क्या दिखाई देता है, टाइगर या तोता या लीव्स या बाकी मुझे उत्तर एक्चुअली स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये थोड़ी सी चित्र डालने के कारण स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई है तो इस कारण नहीं दिखाई दे रहे हैं। उत्तर देख लेते हैं, कहीं ना कहीं इसी उत्तर में आज के एपिसोड का जो है वो निहित है। कोई मुझे पढ़ के बता दे हमारी लैब में से कि डी क्या उत्तर है जो सबसे ज्यादा लोगों ने दिया है। डी उत्तर है पत्ते हैं, डी उत्तर है पत्ते, और 184, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ए उत्तर दिया है जिनको टाइगर दिखा, और बी उत्तर दिया 155 लोग जिन्होंने, बी क्या है तोता है, और सी क्या है मुझे अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है, पत्थर है। तो बहुत सारे लोगों को पत्थर, तोता और ये बाघ जो है और टाइगर दिखाई दिया, और जबकि सबसे ज्यादा अगर जगह किसी ने घेरी हुई थी तो वो पत्तों ने और पेड़ों ने घेरी हुई थी, हरे हरी जो चीज थी, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दिए। एंड सो समवेयर द गोल ऑफ दिस एपिसोड, इफ देयर इज वन, आई विल थ्रो अ लॉट ऑफ नंबर्स, मैं आपके सामने बहुत सारा डेटा दूंगा, लेकिन अगर इसके पीछे उद्देश्य और भावना कोई है तो वो ये कि अगली बार हम जब बाहर दिखें तो हमें गाड़ी, बंगले और तमाम चीजें तो दिखाई दें, गाड़ियां दिखाई दें, आदमी दिखाई दें, जानवर दिखाई दें, लेकिन उनके सबके पीछे जो एक लिविंग बींग जो है, या इसको लिविंग बींग हम क्यों है प्रूव करेंगे आगे देखेंगे, लेकिन इनके पीछे जो मेन कारण है वो चीज भी हमको दिखाई देने जाए। ये पेड़ ही है जिसके कारण इंसान पैदा हुए, वी एग्जिस्ट टूडे, आई विल शो यू दैट वी टूडे एज ह्यूमन स्पीशीज एग्जिस्टेड या एग्जिस्ट बिकॉज देर वर ट्रीज। एंड हमारे साथी जो चैतन्य है, जिन्होंने चैतन्य, श्रद्धा और नीरजा, जिन लोगों ने इस एपिसोड को आपके सामने लाने के लिए इतनी सारी अथक मेहनत करी है और पूरा डेटा आपके सामने जो लाकर दे रहे हैं, वो भी बीच बीच में आपको ये चित्र दिखाते रहेंगे। तो शुरू में अगर मैं आपको ये कन्विंस करूं कि ये द होल पर्पस ऑफ दिस एपिसोड इज टू नेक्स्ट टाइम सी द वैल्यू ऑफ दीज ट्रीज इन आवर लाइफ, एंड इनफैक्ट आई विल टेल यू व्हाट इज इट दैट वी वांट टू डू इन दिस एपिसोड,
वी वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ हम ये तो ऑफकोर्स चर्चा करेंगे कि किस तरह से पेड़ हमारे लिए यूजफुल हैं, हम प्लेन पेड़ की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और उनके संरचना के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस तरह से वो ऐसी चीजें करते हैं जो हम अक्सर मान लेते हैं कि इंसान ही कर सकते हैं, गणित कर देते हैं, चित्रकारी कर देते हैं, इन्वेंशन कर देते हैं, हवाई जहाज उड़ा देते हैं, और ऑफकोर्स इसको जानकर हम आगे क्या कर सकते हैं, यानी 14 ट्रीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। 14 ये अंक क्यों जरूरी है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, हम पेड़ों की किस तरह से हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी को चलाने में उनका क्या योगदान है, या हम एग्जिस्ट ही क्यों कर पाते हैं उसके पीछे उनका क्या योगदान है। इतिहास के बारे में देखेंगे, संरचना देखेंगे, किस तरह से उनकी रोचक खुद की एक रोचक जिंदगी है जिसको देखकर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसको बायोमिमिक्री भी कहते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे वेलक्रो है जो आगे चल के हम उसका उदाहरण देंगे हमारे साथी चैतन्य, बड़ी ही रोचक चीजें हम प्लांट्स की जिंदगी से देखकर सीख सकते हैं। अपने आप में एक पूरे प्राणी है और समाज में रहकर अलग तरीके से बिहेव करते हैं, एक पेड़ किस तरह से बिहेव करता है और एक फॉरेस्ट किस तरह से बिहेव करता है, दोनों अलग चीजें हैं। जिस तरह से एक इंसान ले लीजिए तो हम अकेले इंसान हो तो कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन एक समाज में रहकर सामाजिक जिम्मेदारियां जो आ जाती है, पेड़ों की दुनिया में भी एग्जैक्टली ऐसा होता है, लेकिन हमको ये पेड़ दिखाई नहीं देते, हमको सिर्फ बाघ दिखता है, हमको सिर्फ वो तोता दिखता है, हमको पत्थर दिखते हैं, हमको बिल्डिंग दिखते हैं, हमको गाड़ी दिखते हैं, हमको ये पेड़ दिखाई नहीं देते। जबकि धरती का अगर मैं कहूं तो बायोमास, यू नो इफ यू लुक एट द ओवरऑल बायोमास ऑफ द अर्थ, और बहुत सारे मैं उदाहरण भी आपके सामने फेंकूंगा, द टोटल बायोमास ऑफ अर्थ इज 450 गीगा टन। गीगा मतलब समझते हैं 10 की घात 9, घात ही बोलते हैं शायद अंग्रेजी में, मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, बट 10 की घात 9 मतलब 10 to the power of 9 एंड 450, इतने की 82% ऑफ द होल अर्थ इज ट्रीज, और इंसान देख लीजिए 0.1% है कंपेयर टू 82.5, यानी 820 गुना ज्यादा धरती पर अगर वजन नाप लें तो पेड़ों का है। लेकिन हम कई बार अपने आप को, और हम बहुत बाद में आए, इफ यू लुक एट इट वी केम जस्ट फ्यू यू नो लेट्स से मिलियन इयर्स अगो, ट्रीज तो कब बिलियंस ऑफ इयर्स से पड़े मतलब कब से यहां पर इस धरती पर हैं और कब से हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको अब ये बताना चाहूंगा कि ऑफकोर्स 3 reasons इनफैक्ट, एंड देन मे बी वी आर डूइंग लिटिल बिट ऑफ दिस समरी एंड देन वी विल गो ऑन। मुझे लगता है इस बारे में हमारा ये अंधापन, ये चश्मा अगर हट जाए तो ये आज इस एपिसोड की एक बहुत बड़ी मुझे लगता है अगर हम ये कम्युनिकेट कर पाए आपको तो बहुत बड़ा हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। किस तरह से धरती पर 6 बिलियन ईयर्स अगो देर वॉज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन थी ही नहीं, और तब साइनोबैक्टीरिया नाम का जो बैक्टीरिया था उन्होंने धरती पर ऑक्सीजन निकालनी चालू करी 6 बिलियन ईयर्स अगो। उसके चित्र हमारे भाई साथी चैतन्य अगर डाल दें तो अच्छा रहेगा। एंड धरती उस समय कुछ मैं उस चित्र का इंतजार कर रहा था चैतन्य, चलिए 6 बिलियन ईयर्स अगो यू नो द ओनली लिविंग बीइंग्स दैट एग्जिस्टेड वर दी साइनोबैक्टीरिया, ये लोग ही कार्बन, उस समय धरती पर कोई भी जीवन पॉसिबल नहीं था, उस समय उस धरती पर ये बैक्टीरिया जो है उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर ऑक्सीजन पैदा करना चालू करा, और तब बिकॉज These trees started producing oxygen, ये धरती कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी उस समय, ये क्लियर नहीं है पिक्चर, मैं बाद में दिखाने की कोशिश करूंगा, इस पिक्चर से कुछ खास क्लियर नहीं हुआ। चलिए एंड सो बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट गॉट प्रोड्यूस्ड, इस तरह की धरती दिखाई देती थी उस समय जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और ये धरती जब धीरे 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 ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स दिस ट्री स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन और तब हम लोग पैदा हो पाए, यानी कि अगर दो लाइनों में मैं कहना चाहूं तो हम अपनी जिंदगी का अस्तित्व, द रीजन ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट टुडे इज बिकॉज ऑफ द ट्रीज, विदाउट ट्रीज वी वोंट हैव बीन इवन देयर, हम पैदा ही नहीं होते, इवॉल्व ही नहीं होते। और दूसरी बात, पैदा तो हो गए, अब हमारे संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा बड़ा काम करा तो वो भी पेड़ों ने ही करा, यानी एवरी सिंगल ट्री प्रोड्यूसेस दिस गैस विच मेक्स अस अलाइव,
The whole oxygen on the atmosphere, in the atmosphere, which is about 10 to the power of 18, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, लगभग 10 to the power of 18, इतने सारे, और even 20, या 10 to the power of 18 था, या मैं confused हो रहा था, वो number से, all the oxygen that exists today in the atmosphere today was created by 10 to the power of 21 liters of oxygen that exists today in the atmosphere is all coming from the trees. And तो पेड़ों ने, पेड़ों के कारण हम पैदा हुए, पेड़ों के कारण ऑक्सीजन आई, और पेड़ों के कारण ही खाना हमारे पास आया. आप कहेंगे कि भाई हम तो पेड़ खाते नहीं, हम तो मांसाहारी हैं, लेकिन मांसाहारी को खाने के लिए भी जिन्होंने जो जानवर थे जिनको जिन्होंने खाया वो भी पेड़ ही थे. यानी द इवेंचुअल सोर्स ऑफ ऑल द फूड फॉर ह्यूमन बींग्स are the trees, and so we will have to worry about, or we will have to make sure that we understand that, and that is where it is important that we start looking at some of these things. To teen karan, ek to unke karan hamari species evolve hui, unke karan oxygen aayi, unke karan khana aaya, aur sabse zyada zaruri baat, chauthi sabse zyada zaruri baat, pedon ke karan hi हमने जो अपने शरीर से जो विषैली, अगर कह सकते हैं, क्योंकि जो गैस निकाली हम लोग जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको इस्तेमाल करके पेड़ों ने खाना बनाया. यानी जो जहरीली गैस हमने निकाली उसको उन्होंने अंदर लिया और तब खाना बनाया. तो सोचिए, हमारी गंदगी को, एक तरह से हमारे मुंह से निकली हुई जो विषैली गैस है, उसको उन्होंने इस्तेमाल करके यूज करके ऑक्सीजन मिलाई, उसमें पानी मिलाया और सूरज की एनर्जी ली, और तब फूड बनाया और खाना, ऑक्सीजन बनाई और फूड बनाया. यानी हमारी गंदगी को लिया, और जो दो बाय प्रोडक्ट्स हैं, फूड एंड ऑक्सीजन, दैट इज ऑल प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रीज टुडे. सो वी विल हैव टू वन ऑफ कोर्स कम अप विद, हमें एक बिल्कुल एक परोपकारी दृष्टि से अगली बार देखना पड़ेगा. और मुझे याद भी आ रहा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पेड़ों के ऊपर. ऑफकोर्स लोगों ने बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं, मैं सोच रहा था एक छोटी सी आपको किताब के बारे में बताता हूँ. किताब का नाम है दानी पेड़, और अगर आप कोई भी और किताब ना पढ़ें तो इस किताब को जरूर पढ़ लीजिए. इसकी डिस्क्रिप्शन हम चित्र में डाल देंगे, अगर किसी हमारे साथी को ये किताब का अगर चित्र मिले तो वो स्क्रीन पर दिखा भी सकते हैं. बड़ी ही सुंदर रचनात्मक किताब है, बहुत ही रोचक, 15-20 पेजों की है, मेरे ख्याल से उसमें 20 या 30 लाइनें ही हैं, लेकिन सुंदर किताब है. एक पेड़ किस तरह से क्या क्या अपना दे देता है, दानी पेड़. और एक और किताब है द मैन हु प्लांटेड, ये बड़ी ही रोचक दो किताबें हैं जो पेड़ों से जुड़ी हुई मुझे याद आती हैं. एंड आई थिंक समवेयर वी विल हैव टू रियलाइज नॉट जस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, दिस इज द रीजन, दे आर द रीजन वाई वी आर अलाइव टूडे. हम जिंदा हैं, हम पैदा हुए, हम जी पा रहे हैं, हमारी गंदगी वो लोग इस्तेमाल करके खाना बना रहे, ऑल बिकॉज ऑफ ट्रीज टुडे. और ये करते करते मैं सोचा था आपके सामने एक आइटम पुल का सवाल भी ले आता हूँ, और सवाल, और उसके बाद मैं सोचा था थोड़ा सा फीडबैक, क्योंकि बातों में आकर हम फीडबैक करना पिछली बार भी भूल गए थे, और जो इतना इंटरेस्ट अचानक, और कब से हम सोच रहे थे कि एपिसोड आपके सामने करने का मौका मिलेगा, आज मौका मिला. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी हु हैज जॉइंड, एंड होप यू एंजॉय. बने रहिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपके बारे में आपको बताने वाले हैं, किस तरह से ये पेड़ हमारे लिए एक डेजर्ट कूलर जो आपको दिखाई देता है, वो एक बहुत सुंदर पंप, मतलब लिटरली एक पंप, वो बड़ी सुंदर चीजें आपको आगे बताने हैं. पर सबसे पहले जुड़े रहिए, आपके सामने स्क्रीन पर पहला सवाल आ रहा है कि ये जो पेड़ हैं, ये असली में जो बने, ये कहां से बने? What is the reason the trees gain weight? Where do the trees gain weight from? That is the question that is coming live on your screen. Hopefully it's there. Let's see. इट शुड, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसको गौरव आप कर सकते हैं, इसको स्क्रीन में जाके रिफ्लेक्ट करेंगे तो हो सकता है. चलिए कोई बात नहीं, ये और ये एपिसोड, ये और ये बात हमने आपसे पता नहीं कौन से एपिसोड में पूछी थी, आई थिंक सेकेंड एपिसोड में ये चर्चा करी थी, जहां पर हमने वो सांस के ऊपर चर्चा करी थी, जहां फेफड़ों के ऊपर चर्चा करी थी, वहां पर ये चर्चा वापस से करी थी, और वहां पर ये सवाल पूछा था. हम सोचे थे दोबारा से ये सवाल पूछे कि नहीं, पर हमने सोचा फिर से पूछ लेते हैं, क्योंकि शायद कुछ लोगों को याद ना हो, और फिर काफी सारे एग्जाम, आप लोग तो यूज्ड टू हैं, एग्जाम्स में भी रिपीट क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं. मेरे शरीर आज थोड़ी सी लगता है गर्मी बढ़ रही है, रिपीट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये आपके लिए रिपीट क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज वेयर डू द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द ट्रीज कम्स फ्रॉम. तो इससे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर्स
हमारे जमाने में एक आता था 10-year paper, आई डोंट नो आप लोगों के जमाने में आता है कि नहीं, 10-year paper, तो अक्सर बच्चे वो 10-year paper रट के चले जाते थे और उसमें सब कुछ निकाल देते और वही सवाल भी वही पूछ लेते थे। तो आज हमने सोचा 30-30 में भी 10-year paper का कुछ कर लेते हैं। दूसरे एपिसोड का ये सवाल है जो आपके सामने रिपीट है, एंड लेट्स होप द आंसर दैट इज मोस्ट राइट इज होपली द राइट आंसर, अदरवाइज इसका मतलब है कि लोगों ने क्वेश्चन पेपर रिवाइज नहीं करा है। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। मैं थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ, जो पेड़ों ने छोड़ी वो थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ। हमारे घर के बाहर काफी इंटरेस्ट, काफी रोचक पेड़। चलिए, बहुत सारे लोग इसके अपने चैट में भी उत्तर जा रहे हैं, आप चाहें तो itempool.com/ccl/live पर जाकर भी उत्तर दे रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, ये खूब सारे ढका ढक आंसर ऊपर नीचे जाए जा रहे हैं। चलिए लेट्स लुक एट दी आंसर। नहीं, अभी लोग दे रहे हैं, देते रहने दीजिए। चलिए, आई थिंक वी विल गिव हाफ अ मिनट टू लुक एट दी आंसर्स। और जब ये इसकी थोड़ी सी चैट में आंसर्स की स्पीड कम हो जाएगी तब देखिए इस बारे में हम सांस भी। और उत्तर जो ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा लोगों ने उत्तर दिया वो मुझे स्क्रीन से बाहर चला गया। व्हाट इज द नंबर फॉर आंसर ए, इफ समबडी कैन टेल। 212 लोगों ने जो उत्तर दिया वो एयर है, ऑफ कोर्स एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर उसके बाद जो लोगों ने गलत उत्तर दिए, द टोटल नंबर ऑफ गलत उत्तर इज ऑफ कोर्स नॉट ऑफ कोर्स बट इज ग्रेटर देन द पीपल हु गिव द राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया सॉयल यानी जमीन से आता है, और बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया फिर बी यानी कि पानी, और 11 लोगों ने जवाब दिया कि फर्टिलाइजर से भी आता है। नहीं, सबसे ज्यादा अगर पेड़ में अगर मास आता है, सबसे ज्यादा क्या, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मास कम्स फ्रॉम द एयर। सोचिए, हवा से पूरा पेड़, इतना बड़ा टनों का पेड़ जो बन जाता है सिर्फ हवा से बन जाता है, सिर्फ हवा से। इट इज नथिंग एल्स बट हवा। अगली बार कोई पूछे ये पेड़ क्या है तो आप बोल सकते हैं हवा है, और आपसे कोई पूछे आप क्या है तो आपको भी यही बोलना पड़ेगा हवा है। क्यों? क्योंकि उसी हवा से जो पेड़ बना, पेड़ ने जो खाना दिया वो खाना आपके खाकर आपका शरीर बना, तो आप भी हवा ही हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या है तो आप भी हवा, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ऑफकोर्स सारी ऊर्जा सूरज से आई, सूरज की ऊर्जा को लेकर पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड एंड द बेसिक, होपफुली आई कैन शो यू दैट इक्वेशन, द मोस्ट बेसिक इक्वेशन इज राइट हियर। ये है, ये है, पेड़ों ने यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ली, जमीन से पानी लिया यहां पर एटमॉस्फेयर से, और इसको ये क्लोरोप्लास्ट है, ये बताएंगे किस तरह से संरचना पेड़ की जो थी वो, और उसको लेकर ये चीनी यानी कोई भी शुगर स्टार्च, और ये ऑक्सीजन बना दी, और ये हमारा खाना है, और ये हमारी हवा है, और ये हम हैं। चलिए, बारी बारी हमारे मुंह पे वो चढ़ गया है, बारी बारी वही निकल जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पेड़ पूरे बने, और ये बात हमको अपने समाज, हम आई मीन इट्स नॉट दैट वी हैव नॉट बीन, जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान हम कब से मानते हुए आ रहे हैं। कितने ही हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जहां पर पेड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों के चारों तरफ हम धागा बांधकर पूजा करते हैं और बड़ा उच्च स्थान दिया हुआ है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि हमारी संवेदना कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और हमें काटते हुए भी बिल्कुल दर्द नहीं आता। और ये मैं भारत के लिए स्पेसिफिकली नहीं कह रहा हूं, शायद हमारे यहाँ ये कम होता हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन सब, हम कितनी गति से ये पेड़ काट रहे हैं इसका उदाहरण भी मैं आपको बताने वाला हूं। हर दिन एवरी सिंगल डे 45,000 क्रिकेट फील्ड, हर दिन 45,000 क्रिकेट फील्ड जितना जंगल काट देते हैं हर दिन, आगे जाकर देखेंगे, हर दिन एवरी सिंगल डे। और किसके लिए, ये आपका एक्चुअली आइटम पूल का सवाल है, एंड में करेंगे, तब तक आप सोचते रहिएगा। ये हर दिन हम मतलब इतना पेड़ काटते हैं, अगर इसको पूरी भारत दुनिया की जनसंख्या से अगर हम डिवाइड करें तो हर इंसान के लिए 400 square feet की जमीन हर साल काट लेते हैं, 400 स्क्वायर फुट ऑफ लैंड एवरी सिंगल ईयर एवरी पर्सन। मतलब अगर 4-5 लोगों की हमारी फैमिली है तो 2000 स्क्वायर फुट का घर हम जंगल काट देते हैं, उतना बड़े घर अगर बनाना हो उतना जंगल हर साल काट लेते हैं।
और किसके लिए, ये आपका सवाल एंड में आएगा, ध्यान देते रहिएगा, किसके लिए काटते हैं, क्यों काटते हैं, इसके लिए बर्गर के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी अभी आपको वैसे ही भाव में आ गया था इसलिए आपको ये सवाल के उत्तर भी बता, उत्तर नहीं मतलब ऑप्शंस बता रहा हूँ, बर्गर है और इंडस्ट्री है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था, बर्गर है, इंडस्ट्री है और तेल है और एक और कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर आप सोचते रहिएगा, इतना जंगल जो हम काटते हैं, इतना 400 स्क्वायर फुट, प्लीज रिमेंबर दैट नंबर, 400 स्क्वायर फुट पर पर्सन पर ईयर, इतना रेन फॉरेस्ट काटते हैं, 400 स्क्वायर फुट मतलब कई, और अगर उसको क्रिकेट फील्ड से 45,000 क्रिकेट फील्ड जितना रोज काट देते हैं, रोज सोचने में भी दिल दहल जाता है, और किनको, जिनके कारण इंसान है, जिनके कारण हमें खाने और वायु मिलती है उनको। चलिए आगे देखकर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी एनाटॉमी को देखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे हमारे हमारे संस्कृति में कहीं से इनकी पेड़ों की योगदान और उनकी यूटिलिटी की बहुत बहुत भूतपूर्व वैल्यू थी। इनफैक्ट हमें पता था ये लिविंग बींग्स हैं, लेकिन पहली बार जिसने ये बताया कि और इसकी चित्र शायद पहली बार मतलब जिन्होंने प्रूव करा, वो भारतीय वैज्ञानिक थे जेसी बोस, जिन्होंने प्रूव करा कि ये जो पेड़ हैं ये भी लिविंग बींग्स हैं। So J.C. Bose actually proved that trees are living beings and you know, you probably इनकी मैं iPad में आपको उसके J.C. Bose Indian biophysicist in 1858 to 1937 who proved that and बड़ी interesting इनकी कहानी भी रही, लेकिन मैं अगर इतिहास को दो मिनट में जाऊं तो बहुत सारे यहां पर, ये Von Helmont हैं जिन्होंने ये कहा कि plants grow due to water and not due to soil, मतलब इन्होंने ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करा था जहां पर उन्होंने ये बताया था कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, और ये चीजें हम खुद भी करके देख सकते हैं। इन्होंने एक गमले में एक पेड़ लगाया और पेड़ में उस समय ये माना जाता था कि पेड़ का जो जो मास वो करता है वो मिट्टी से आता है। इन्होंने प्रूव करके देखा, उन्होंने मिट्टी का मास माप लिया कितना वजन है और 5 साल बाद मापा कितना है, तो उन्होंने पाया मिट्टी का वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ लेकिन पेड़ उनका 70 किलो का हो गया था। और उन्होंने ये फिर दिखाया कि पेड़ का वजन जो है पानी से सॉरी मिट्टी से नहीं आता, कहीं और से आता है। और ये जो साइंटिस्ट हैं जॉन सेनेबियर, इन्होंने प्रूव करा कि प्लांट्स कंज्यूम CO2, और ये जोसेफ प्रीस्टली हैं, इन्होंने प्रूव करा कि प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये वाले जो हैं यान इंगनहाउस, इन्होंने लाइट, इन्होंने प्रूव करा कि लाइट जरूरी है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए। एंड ये ससुरे हैं, ससुरे मुझे नाम इनका प्रोनाउंस करना नहीं आता, आई एम सॉरी, बट इन्होंने प्रूव करा कि प्लांट्स कन्वर्ट CO2 इनटू वेट, एंड ही वाज द वन, सो ही प्रूव्ड इन 19 यू नो अराउंड 1800 दैट प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वेट, एंड सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ द हिस्ट्री। बट हमारे इतिहास में तो प्लांट्स की बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, और आयुर्वेद में चरक की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद आती है, चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी और आयुर्वेद के वो प्रणेता माने जाते हैं या जिन्होंने लिखा वो माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा, इनफैक्ट उनके गुरु ने चरक को ये एक वो चैलेंज दिया था कि जाओ ढूंढ कर लाओ कोई ऐसा पेड़ जिसका कोई यूज ना हो, एंड इट इज बीइंग सेड दैट चरक पूरे 3-4 साल 5 साल घूमे और फिर अंत में आकर कहे उन्हें कोई भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जिसकी कोई यूजफुलनेस ना हो। नीम की कड़वी निम्बोली या नीम की कड़वी पत्ती भी किसी काम आ जाती है, और इसी तरह से हर करेले को बोल सकते हैं कड़वा है लेकिन काम आता है, और काफी सारी चीजों में काम आता है। इसी तरह हर पेड़ की अपनी इस सृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो योगदान होगा ही, एंड दैट इज वेयर यू नो वी आर कमिंग फ्रॉम। एंड अब हम देख लेते हैं कि पेड़ की एनाटॉमी क्या है, ट्रीज की एनाटॉमी क्या है, और उसको समझने के लिए दो ही, बचपन में मुझे याद है 8वीं में, और इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाह रहा था आज के एपिसोड के बारे में, किसी को लगेगा कि हो सकता है बॉटनी के लोगों के लिए, हम तो मैथ वाले हैं, हम तो फिजिक्स वाले हैं, हमको इससे क्या मतलब, ये हमारी जिंदगी है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये संवेदनशीलता जो हम खो चुके हैं पेड़ों के प्रति, जिसके कारण हम इतने सारे पेड़ काट देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता, और इसलिए नहीं कि हमने काटा, काफी लोगों को ये सुनकर लगेगा यार हमने तो काटा ही, हम क्या काटते हैं, हमने तो सिर्फ पेड़ उगाए हैं, हमें तो कोई बुला देता है, हम यहाँ के पेड़ उगा देते हैं और उसमें पानी देते हैं और फोटो खिंचवा देते हैं और व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, हमने तो ऐसे 10 बार काम करे हैं। दो चीजें, पेड़ को जमीन में डालना और एक बार फोटो खिंचवाना अलग है, लेकिन 3 साल तक उसकी देख रेख करनी,
दैट इज वॉट इज कॉल्ड प्लांटिंग अ ट्री. इट इज वेरी इजी टू जस्ट पुट इट इन द ग्राउंड. लेकिन उसकी संरचना, उसकी उनको उसको देखभाल कौन करेगा जब सबसे ज्यादा पहले 3 सालों में जरूरत है. उसको आके बकरी खा सकती है, उसको आके बाकी लोग खराब कर सकते हैं या जो भी होगा. उसकी 3 साल तक देखरेख करनी होगी जब तक वो पेड़ अपना अस्तित्व कायम करने में के लिए सक्षम हो जाए उतनी हमको. और दूसरी पेड़ हमने तो कहा कि हम तो काटते नहीं, हम तो सिर्फ लगाते हैं. आपने ऐसा पेड़ लगाएं चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा पेड़ तो लगाएं कि 3 साल उसकी देखभाल कर लें. और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग हमारे मित्र जो हैं प्रवीण भागवत, इन्होंने पूना में कराया 14 ट्रीज के नाम से. मैं वो आपको चल के आगे बताऊंगा. कुछ लोग कह सकते हैं कि ट्रीज लगाने के बारे में. और दूसरी बात ये थी कि आपने कहा कि भाई हम तो पेड़ काटते नहीं, लेकिन आप काटते नहीं, लेकिन जिस तरह के काम हम करते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज ऑल इक्विवेलेंट. जिस तरह का हम खाना खाते हैं उस तरह का वो खाना कहाँ से आता है, क्यों आता है, किस तरह से आता है, इस सब का कारण ये जमीन या प्रोडक्शन या पेड़ ही हो सकते हैं. मतलब फॉर द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट, वी विल सी लेटर ऑन दैट 70% ऑफ द होल अर्थ जो पेड़ करते हैं उसका कारण सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री ये कैटल फार्मिंग. मतलब जो हम रेन फॉरेस्ट में कैटल फार्मिंग, एंड देन इफ 10% इज दैट ऑयल फार्मिंग. वो एक्चुअली मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट वी विल सी हाउ सम पीपल व्हेन वी सी दैट यू नो वी डोंट कट ट्रीज, इट्स द लाइफस्टाइल दैट वी लीड. जिस तरह से हम रह रहे हैं उसका बहुत बड़ा लेना देना इस बात पर है कि किस तरह से ये पेड़ हमारी धरती से नष्ट होते जा रहे हैं. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मैं अंत की बात कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमें ये बात ही समझनी होगी कि हम तो बहुत नए आए हैं इस धरती पर. और हम आए और शायद अगर हमें समझ नहीं आई तो चले भी जाएंगे, लेकिन पेड़ बिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं और पेड़ हमेशा रहेंगे. लेकिन हमें ये बात, हमें अपनी अस्मिता और अपने हमें अपने वजूद को समझना पड़ेगा, या उसका हमें अपने यू नो आई एम फॉरगेटिंग द राइट वर्ड, बट यू नो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड आर प्लेस इन दिस यूनिवर्स एंड एक्ट एज इफ वी अंडरस्टैंड दैट एंड ऑफकोर्स एक्ट सेंसिटिवली. चलिए, मैं कह रहा था कि आपको थोड़ी सी एनाटॉमी पेड़ की बताने की कोशिश करूंगा और वो यहाँ पर आ रही है. पेड़ ऑफकोर्स बॉटनी में, मैं बॉटनी से ध्यान आया, बॉटनी में हम लोग पढ़ते थे, बॉटनी मतलब 8वीं में जो प्लांट की बायोलॉजी पढ़ते थे उसमें 2 मेन कारण हमें बताए गए थे, या 3 मेन कारण बताए गए थे प्लांट्स के बारे में, और वो यहाँ पर है. 3 मेन डिफरेंसेज इन अ प्लांट इज दैट प्लांट्स हैव दिस समथिंग कॉल्ड अ क्लोरोप्लास्ट एंड प्लांट्स हैव अ सेल वॉल जो इंसानों में नहीं, मतलब ह्यूमन सेल्स में नहीं होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है. एंड प्लांट्स हैव दिस वंडरफुल थिंग कॉल्ड जाइलम विच इज लाइक अ कैपिलरी ट्यूब. और ये मैं अगर और थोड़ा ढंग से समझाऊं तो वो ये है, इंसान सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया रखता है या एनिमल सेल्स जहां पर हम ऑक्सीजन लेते हैं और उससे एनर्जी बना लेते हैं, लेकिन एक प्लांट सेल में ये दोनों होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज व्हाट डज फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करता है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कोर्स उनको अपनी खुद का शरीर चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसके कारण हम वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. और ये एरो मैं सोचा हूं लाल से बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस CO2 विच इज यूज्ड बाय क्लोरोप्लास्ट, और वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. तो पेड़ के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चलती है, दोनों ही चीजें हैं एक पेड़ के सेल के अंदर, एक पेड़ के सेल के अंदर दोनों ही चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया भी है क्लोरोप्लास्ट भी है. माइटोकॉन्ड्रिया ने जो अपना क्लोरोप्लास्ट ने जब फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया तो उसने ऑक्सीजन रिलीज करी, उस ऑक्सीजन का माइटोकॉन्ड्रिया ने इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करी जिससे पेड़ खुद चल पाए, और एज अ रिजल्ट उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी वो जो है क्लोरोप्लास्ट ने. एंड ऑफ कोर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिलीज्ड बाय द यू नो प्लांट सेल इज मच मोर, दैट्स व्हाई एक्सेस. अगर दोनों बराबर हैं, जितनी पेड़ के सेल ने यूज कर ली उतनी ऑक्सीजन यूज कर ली उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो ये तो चलता ही रहेगा, हम लोग इंसान खत्म हो जाएंगे. एंड फॉर दैट द अमाउंट ऑफ, एंड बड़ी इंटरेस्टिंग संरचना है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्री इज मच मच मोर देन इट इज यूज्ड बाय द ट्री. इनफैक्ट रात को ये ऑक्सीजन बनना बंद हो जाती है, ये दिन में ऑक्सीजन निकलती है. तो कुछ लोग जो कहते हैं जैसे कोई खाई हो, अगर कोई गहरी खाई हो और वहां पर बहुत सारे पेड़ के झुंड हो, और वहां पर अगर आप नीचे चले जाएं तो वहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रात में सिर्फ पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, नॉट ऑक्सीजन, बिकॉज दे आर ओनली रेस्पायरिंग, दे आर नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस. सो एज अ रिजल्ट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है तो वो नीचे बैठ जाएगी,
और नीचे की ऑक्सीजन पेड़ ले लेते हैं, तो उस समय काफी लोगों ने पाया भी है कि कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं वहां जाकर, वो इसीलिए क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की जो है परसेंटेज बहुत कम है। सो उस बात का ख्याल, ऑफ कोर्स खुला ग्राउंड है तो यू नो विस्तृत हो जाती है, वो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पेड़ का झुंड है और खाई जैसा है तब वहां पर ये परेशानी आ सकती है। एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट प्लांट एनाटॉमी दैट दे हैव बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन देम। और दूसरी चीज एनिमल और प्लांट सेल में, ये तो ऑफ कोर्स आप लोग साधारण से चित्र में देख सकते हैं, बट मैं एक और चीज बताना चाह रहा था कि हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड जाइलम, ये तीन चीजें करते हैं। और पेड़ का सबसे बड़ा काम, जैसा कि हम पहले देख रहे थे, सबसे बड़ा काम जो है वो है CO2 को पानी के साथ मिलाकर खाना बनाना और ऑक्सीजन रिलीज करना। CO2 के को पानी के साथ मिलाकर खाना बनाना और ऑक्सीजन रिलीज करना, यही कारण है जिसके कारण हमारी जिंदगी यहाँ पर चल पाती है। तो चलिए, इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल आ जाता है आशा है, और मैं इसलिए ये बारी बारी ये बातें दिखाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा है इन सब चीजों के कारण हमारे पेड़ों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाए। चलिए, और मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा, हमारे जो साथी हैं चैतन्य आईसर वाले, वो आपको बताएंगे किस तरह से पेड़ों की जिंदगी खुद से बड़ी ही रोचक और रंगीन है। एंड अगले ही 5-7-10 मिनट में उनकी मैं उनको चालू कर दूंगा। तो चलिए, लेट्स लुक एट, तो ये जो खाना बनाया उसको देख लेते हैं। जो आपको लगता है कि ये और खाना बनाने वाला वो सवाल आपकी स्क्रीन पर अब आने वाला है। द क्वेश्चन इज दैट पेड़ों ने जो ये हमारे लिए खाना बनाया, मान लीजिए आप लोग ये खरीद के लाए, आपको आज लेट्स से चीनी खरीद के लाए, क्योंकि शुगर की बात कर रहे थे, चीनी खरीद के लाए, चीनी सबको जनरली पिछले एपिसोड में देखा भी था फूड वाले की चीनी किस तरह से हमारे को एडिक्टिव बना, आई मीन चीनी इज वेरी एडिक्टिव चीनी के प्रति हमारा बचपन से मतलब फ्रॉम जनरेशंस और फ्रॉम एवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन वी आर एडिक्टेड टू शुगर। सो लेट्स से यू गॉट 1 kg ऑफ शुगर इन योर हाउस, 1 kg का पैकेट लेकर आए, आपको क्या लगता है कहाँ से आई वो किलो चीनी? ऑफकोर्स पेड़ से आई, ऑफकोर्स पेड़ ने इंडस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट, बट 1 kg चीनी उगाने के लिए कहां से आई? मैं बोलूं हवा से आई, कार्बन डाइऑक्साइड से आई। तो वो 1 kg चीनी निकालने के लिए कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड आई ये, या पेड़ ने कंज्यूम करी? 1 kg चीनी के लिए हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज यूज्ड बाय ट्री टू मेक 1 kg ऑफ शुगर? चलिए, और सुंदर सवाल है, सुंदर सवाल। काफी सारे लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग जाएं और अपना होमवर्क जरूर जमा करें। आज फिर फीडबैक रह गया, फिर फीडबैक रह गया, और मैं भी जस्ट आफ्टर दिस आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स टू शो दिस वंडरफुल फीडबैक। काफी सारे लोग, काफी सारे स्क्रीन पर चले जा रहे हैं, उत्तर देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। आज समय थोड़ा सा, फिर से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, बहुत सारे लोगों के जो उत्तर थे वो 700 लीटर, और हम देखेंगे किस तरह से 700 लीटर ये ऑल्दो चलिए, और काफी सारे लोगों ने 133 लोगों ने बोला कि 7000 लीटर मतलब ये नंबर तो ऑफकोर्स इट डजंट मैटर रियली, इन सम सेंस इट डज, बट करीब 1 kg चीनी, अगली बार हम 1 kg चीनी खाएं तो हमें पता रहे कि किस तरह से ये 1 kg चीनी 700 लीटर है, 700 लीटर। और ये 700 लीटर इसलिए लिख रहे हैं, ये हमने 22.5, इसको अगर आप 22.5 कर देंगे 22.4, तो ये 700 लीटर ही हो जाए। तो किस तरह से करा, हमने देखा कि 1 kg चीनी और ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, और इसका मास निकालते हैं तो 44 ग्राम आता है, यानी कि 5.5 मोल ऑफ ग्लूकोज है, और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को करने के लिए 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आती है। देखिए यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बना है ना, तो 6 मोल ऑफ कार्बन, 6 मोल ऑफ, तो उसको अगर हम गुणा करते हैं तो 5.5 को 6 से गुणा कर ये 22.5 से करेंगे तो लगभग 700 लीटर गैस आ जाएगी, यानी 4, 5.5 मोल्स
ऑफ ग्लूकोज इज 1 kg ऑफ शुगर टाइम्स 6 विच इज 6 मोल्स एंड टाइम्स 22.4 एंड दिस इज रफली 700 लीटर 700 लीटर. आप देख सकते हैं 1 किलो चीनी अगली बार अगर आप खाएं तो आपको पता चले कि भाई 700 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड किसी ने इस्तेमाल करके पेड़ ने वो 700 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, सोचिए. और एक इंसान, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली आगे जाकर देखेंगे, एक इंसान एक दिन में लगभग 700 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालता है. श्वास जो हम करते हैं ना, 700 लीटर 70 liters, absolutely amazing the kind of things that the trees do for us. And let's look at that quickly. I think we are running a little bit behind. Let me just make sure. So we saw how trees give us food, give O2, absorb carbon dioxide, or बारिश लाते हैं, क्योंकि हर दिन एवरी डे द ट्रीज ट्रांसपायर अबाउट 70 liters ऑफ वाटर एवरी डे. 70 साधारण पेड़ हर दिन 70 liter पानी ऊपर लेकर जाता है, खींचता है जमीन से, और उसमें से 90% बाहर भी निकाल देता है. एंड दैट इज वाई दे एक्ट लाइक अ डेजर्ट कूलर. जहां पर ये आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये पेड़ एक डेजर्ट कूलर है. एंड हाउ मच ऑफ दैट इज द डेजर्ट कूलर, ये यहां पर ये आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ये 70 liter पर डे. और किस तरह से डेजर्ट कूलर है, सॉरी मैं ओ ये पूरा ही रह गया, लेट मी जस्ट शो दैट अगेन देन. ठीक है, यहां पर लिखा रहता है पेड़ किस तरह से हमारे लिए डेजर्ट कूलर है. हम देखेंगे पेड़ किस तरह से पंप का काम करता है, जो आपने देखा है ना पंप, पानी ऊपर से नीचे, किस तरह से फनल का काम करता है, ऊपर का पानी, सारा पानी जो बारिश का गिरता है नीचे चला जाता है. एंड सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन, और ये 1000 liter, ध्यान रखिए, एक पेड़ 1000, एक किलो, मतलब यहां पर मैं लिख भी देता हूं, एक किलो लकड़ी इज अबाउट 1000 liter ऑफ कार्बन. 1 किलो लकड़ी 1000 liter ऑफ कार्बन. और इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमारा पेड़ डेजर्ट कूलर का काम करता है. पेड़ जो है नीचे से पानी निकालता है और उसको ट्रांसपिरेशन, जो स्टमेटा होती है उसके में से, एंड इसी के कारण पेड़ पंप के जैसे काम करता है. किस तरह से पानी नीचे से ऊपर निकालता है उसको मैं दिखाने के लिए आपको एक फोटो तस्वीर दिखा देता हूँ, जाइलम वाली तस्वीर. यहाँ पर ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया. तो हम पेड़ जमीन से 70 liter पानी निकालेगा, ऊपर तक लेकर जाएगा और वहां पर इवेपोरेट करके वो बाहर ऑक्सीजन को निकाल देगा, फेंक देगा, राइट. सो एज अ रिजल्ट, एंड ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा एंड ऑफकोर्स पानी साथ में, जो 70 liter पानी एवरी डे जो उन्होंने खींचा पेड़ ने, वो बाहर 90% ऑफ दैट ऑलमोस्ट 63 liter बाहर निकाल दिया. बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कूलर भी काम करता है. कूलर क्या करता है, कूलर नीचे से पानी लेता है, ऊपर ले जाता है और एवेपोरेट कर देता है. एज अ रिजल्ट जो वहां की जगह है उसको ठंडा कर देता है, वहां की गर्मी को लेकर पानी बाहर निकल जाता है. इसीलिए लोगों ने पाया है कि अगर आपके घर के आसपास 10-15 पेड़ हों तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक हैविंग 70 liter 700, एक पेड़ 70 liter पानी आपके आसपास एक दिन में निकालकर ठंडा कर देता है. सोचिए आपके कूलर में अगर आप 20-30 liter का टैंक हो, आजकल कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तो कूलर रखते नहीं, हम तो एसी वाले हैं, हमने अपने घर में कूलर रखे हैं इसलिए हमें भरना पड़ता है. हम रोज उसमें अगर 20 liter पानी डालते हैं कूलर की टंकी में, 20-25 liter, और दिन भर में चलता है, एक पेड़ 70 liter का काम वो कर देता है, जो हमारी कूलर की टंकी पूरे दिन भर कूलर चलता है तब 20 या 40 लीटर गर्मियों में निकलता है, वो पेड़ 70 लीटर हर रोज ये काम करता है अनवरत, एवरी सिंगल डे विदाउट कंप्लेन एंड नो बिल. कोई खर्चा नहीं आता, बिल नहीं भरे तो कुछ ने बोला कि हम आपकी बत्ती काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. पेड़ अगर लग गया तो 70 लीटर आपका डेजर्ट कूलर रोज चलता है. और कैसे काम करता है, क्योंकि एक बड़ा एफिशिएंट पंप है. किस तरह से पंप है मैं वो आपको दिखाता हूं, और वो आपको स्क्रीन में ले जाकर दिखाता हूं, क्योंकि उनके अंदर ये बड़े सुंदर कैपिलरी पाइप्स बने हैं जिसको जाइलम बोलते हैं. 3 तरीके से ये पंप काम करता है. पहला, रूट्स, यहां से पानी ऊपर की तरफ धक्का लगता है, रूट्स में से द पानी, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट्स से पानी ऊपर की तरफ जाता है. यहां पर ये जाइलम है, जाइलम ये जो पतले पतले पाइप्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, इनका साइज लगभग नैनोमीटर्स में, 10 नैनोमीटर के करीब हो जाता है, जहां विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. एज अ रिजल्ट
बिकॉज ऑफ दिस. तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा, यहां पर कैपिलरी एक्शन लगा, कोहिजन एंड अधिशन ऑफ कैपिलरी एक्शन, यहां पर पाइप लगा और यहां पर ऊपर की लीव्स में ट्रांसपिरेशन हुआ. तो यहां पर जब क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकली और H2O बाहर निकला गैस बनकर, तो यहां लोअर प्रेशर हुआ, उसने पानी को ऊपर खींचा. तीन तरीकों से ये पंप काम करता है, तीन तरीकों से. पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, नीचे से पानी ऊपर धक्का मारा, फिर कैपिलरी जो पाइप है उनके ऊपर गया बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शंस जो जाइलम बोलते हैं, और फिर ट्रांसपिरेशन हुआ पेड़ों से वो जो नेगेटिव प्रेशर या कम प्रेशर हुआ क्योंकि वहां से हवा उड़ गई उसके कारण. तीन चीजों को मिलकर पानी लगभग, एंड कितना ऊंचा, कितना ऊंचा कल्पना करिए, साढ़े, और उसकी मैं चित्र दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो चित्र मेरे पास है. दुनिया का सबसे ऊंचा अगर कोई वृक्ष है, अगर कोई वृक्ष नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष ये हाइपीरियन है, कैलिफोर्निया में है, साढ़े लगभग 400 फुट है, 400 फुट, 400 फुट का पेड़ है. लोगों को एग्जैक्ट डेफिनेशन बताया नहीं है कि कहां पर है, और वो इसलिए क्योंकि अगर लोगों को पता चला तो शायद वहां जाकर कुछ तहस नहस या गंदगी ना मचा दे, इसलिए इसकी लोकेशन छुपा कर रखी हुई है. 700 साल पुराना है, 7 लाख किलो का है, और हम देखेंगे कि किस तरह से एक किलो लकड़ी ने 1000 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से निकालकर सिक्वेस्टर करा था या अंदर रखा था. और ये तो 7 लाख किलो का है, तो एक पेड़ ने 7 लाख को 1000 से गुणा कर दीजिए, इतना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रख रखी है. और ये क्यों चला, क्योंकि ये पंप था. एंड इनफैक्ट दैट इज द क्वेश्चन, मे बी इट्स अ क्वेश्चन इन योर होमवर्क, और मे बी वी कैन आस्क दैट राइट नाउ, कि कितने वॉट का पंप है ये, और ऑफ कोर्स पंप है ना, आपको धरती में अगर नीचे से ऊपर पानी बिल्डिंग में पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाते हैं, नीचे से मोटर ऑन करी, पंप चालू हो गया, खट से ऑन करा, वो हमारी मोटर ने पंप चालू कर दिया. और यही काम पेड़ करते हैं, अगली बार जब हमें पेड़ दिखे तो क्या हमें लगता है कि वो पंप है. तो आपसे सवाल ये है कि ये जो साधारण पेड़ है या ये वाला जो पेड़ था, ये कितने बड़े पंप है. पर पंप जानने के लिए वॉट में बोलते हैं ना, कितने वॉट का पंप है. तो पहले हमने सोचा आपसे यही पूछ लेते हैं कि वॉट क्या है, वॉट इज, वॉट इज द क्वेश्चन. चलिए देख लेते हैं व्हाट इज व्हाट. सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, व्हाट इज व्हाट, व्हाट इज अ व्हाट. चलिए ये आपके स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, व्हाट इज अ व्हाट, ऑन कर सकते हैं ये क्वेश्चन. व्हाट इज अ व्हाट, लिफ्टिंग ऑफ 1 kg ऑफ वॉटर इन 1 second, लिफ्टिंग ऑफ 0.1 kg ऑफ वॉटर इन 1 second, लिफ्टिंग ऑफ 10 kg ऑफ वॉटर इन 1 second. What is something जो मुन्ना, ये क्या लिखा है, what is something जो मुन्ना भाई और सर्किट, मुन्ना भाई और सर्किट लगाते हैं, what is something जो मुन्ना भाई और सर्किट लगाते हैं, we get free electricity. हाँ ये बहुत बढ़िया लगा, we get free electricity जो we don't care, बहुत सही, हमारे यहाँ तो free की बत्ती है, हमको क्या पता कितने बात का, बहुत सही, बहुत सही. चलिए आपको ये बताना है कि ये जो वॉट बोलते हैं हम, एक वॉट, एक बोलते हैं ना 30 वॉट, 40 वॉट, एक वॉट, एक वॉट की मोटर, 50 वॉट की मोटर, 100 वॉट की मोटर, 1 kW की मोटर, इसको हम देख लेते हैं क्या है ये असल में, वॉट है क्या, वॉट इज वॉट, लिफ्टिंग ऑफ 1 kg ऑफ वॉटर इन 1 second, लिफ्टिंग ऑफ 0.1 kg ऑफ वॉटर. वॉट ऑफ कोर्स इज द यूनिट ऑफ पावर, एंड पावर इज एनर्जी पर सेकेंड, कितना काम हम कितनी जल्दी कर सकते हैं वो हमारी पावर है. ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत सारा काम लेकिन धीरे धीरे करें, और कुछ लोग हो सकता है वो बहुत कम काम करें लेकिन फटाफट से कर दें, उनकी पावर ज्यादा हो गई. पावर इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट डजंट टेल हाउ मच वर्क. आलसी लोग हैं, जिनको लोग बोल देते हैं आलसी हैं, वो धीरे 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 काम करते हैं लेकिन बहुत देर तक करते हैं. तो पेड़ों को हमें यही मानना पड़ेगा, और आपके सामने उत्तर भी आएगा कि ये पेड़ लगता है आलसी हैं लेकिन हैं, और लगता है ये, एज वी विल सी लेटर, एज वी विल शो यू इन द स्क्रीन लेटर, दैट ये जो पेड़ है, ये जो बड़ा वाला पेड़ था, ये लगभग 50 वॉट का वो पंप है. 50 वॉट तो लगता है बड़ा छोटा है, हमारी मोटर इससे तेज होती है, लेकिन सोचिए 700 साल से ये पंप चल रहा है, 700 साल से ये 50 वॉट का पंप रोज चलता है, एवरी डे चलता है, कुछ भी हो चलता रहता है, रोज चलता रहता है. ऑफकोर्स उसके लिए पंप के लिए सूरज होगा तो पंप अच्छी तरह चलता है, सूरज नहीं होगा तो पंप नहीं चलता, बट अनवरत चलता रहता है, 700 साल से अनवरत 50 वॉट का पंप है, इसलिए इतना सारा काम करता है. तो
कई बार हमें लगता है कि पावर कम है, लेकिन लगातार वो काम करती रहे तो वो पावर बहुत ज्यादा, काम बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मे बी वी विल हैव टू ट्राई टू वर्क टू दैट, या तो स्प्रिंट मार दे, बहुत सारा काम करा लेकिन खट से कर दिया, नहीं थोड़ा काम करा लेकिन खट से कर दिया तो पावर बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत सारा काम करा लेकिन टाइम ज्यादा लगाया और लगातार करते रहे तो बोलते हैं पावर कम हो गई। लेकिन ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा कि असल में अगर कोई चेंज आती है तो वैसे ही आती है, धीरे धीरे लगो रहो मुन्ना भाई वाला जो खेल है कोई। चलिए उत्तर देख लेते हैं, व्हाट इज द आंसर, लेट्स लुक एट द आंसर। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो उत्तर है वो ए दिया लोगों ने, वो जो कि गलत है, जो कि गलत है। आंसर इज बी, व्हिच इज लिफ्टिंग अप 0.1 केजी ऑफ वाटर इन 1 सेकंड। और ये क्यों, मैं इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये आईपैड में ले जाकर अगर मैं दिखाऊं तो 1 वाट इज बेसिकली 1 जूल पर सेकेंड। और जूल को अगर हम क्या करेंगे, 1 किलो mgh इज दी एनर्जी, एक पानी को ऊपर उठाना, तो 1 किलो उठाया और 1 मीटर तक उठाया, और जी 10 है तो लगभग ये 1 किलो को 1 मीटर तक उठाया तो 10 जूल का काम हो गया। तो इसलिए 10 जूल पर सेकेंड, अगर 1 किलो पानी 1 सेकेंड में 1 मीटर तक उठाया तो वो 10 वॉट का पंप हो गया 1 वॉट के लिए, तो बटे 10 यानी 0.1 यानी 100 ग्राम पानी 1 सेकेंड में 1 मीटर उठाए तो 1 वॉट का पंप है। और ये हमारे जो पंप या आपको जो दिखाई दे रहे हैं, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। लगभग लोग कहते हैं कि अ ट्री पंप्स अबाउट 70 गैलन्स ऑफ वाटर पर डे, एंड उसको आप और ये छोटे पेड़ के, एवरेज पेड़ के, उसको इस पेड़ के लिए अगर आप करें जो कि जिसका तना ही बहुत चौड़ा है, और आई थिंक 40 गैलन्स ऑफ वाटर पर द गर्थ ऑफ द ट्री, मतलब 1 इंच की, 1 इंच जितना हमारा चौड़ा तना है पर दैट 40 गैलन यानी 160 लीटर ऑफ पानी पर इंच ऑफ द ट्री डायमीटर पानी ऊपर लेके जाता है। तो वो अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि जो सबसे बड़ा दुनिया का पेड़ है हाइपीरियन, वो 50 वॉट का पंप है, और जो साधारण पेड़ है वो करीब अराउंड 1.5 to 1 वॉट ऑफ पंप विच रन एवरी सिंगल डे। अगली बार आपको दिखे तो आपको ये देखना चाहिए कि ये जो पेड़ है ये बिल्कुल, और मैं सोच रहा था ये बात थोड़ा सा पीछे रह गया लेकिन खत्म करता हूँ, पेड़ किस तरह से ये सारे पंप भी हैं और पंप हैं और डेजर्ट कूलर हैं, लेकिन साथ में ये जो फनल का काम भी करते हैं, जो बारिश गिरती है उसको अंदर सोख कर पानी अंदर पहुंचा देते हैं और फिल्टर कर देते हैं, गंदगी नहीं सिर्फ साफ पानी अंदर लेकर चला है। लेकिन हमने पेड़ों के साथ क्या करा, मुझे ये चित्र, बस ये चित्र दिखाकर मैं फिर आपको चेतना के पास ले चलता हूं। बड़ा ही रोचक चित्र है और बड़ा ही मार्मिक और दर्दनाक चित्र भी कह सकते हैं, और दर्दनाक चित्र है। और ये मैं एक्चुअली ये चित्र हो सकता है, मैं इसकी झलक दिखा देता हूँ पर आपको ये बाद में दिखाऊंगा, आप गेस करते रहिए कहाँ का चित्र है। ओ ये तो दिख गया आपको, सॉरी। चलिए यहाँ पर बता ही देते हैं, बड़ा ही दर्दनाक चित्र है। दिस इज बैंगलोर इन 1973 एंड दिस इज बैंगलोर टूडे। यहां पर 70% ट्री कवर है और यहां पर 3%, 23 times हमने पेड़ वहां पर काट दिए। और इसलिए मुझे याद है जब मैं बैंगलोर में रहता था तो वहां पर पुराने लोग बोलते थे कि हमें तो पंखे की जरूरत नहीं है, फॉरगेट अबाउट कूलर एंड एसी। और आज की तारीख में वहां पर सब एसी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने जो ऑटोमेटिक जो हमारे बिल्कुल वो जो कूलर थे, जो नेचुरल कूलर थे, वो खत्म कर दिए, वो बंद कर दिए, और उसकी जगह हमने पता नहीं क्या क्या चीजें बनाई। और वो इसलिए क्योंकि वहां का टेम्परेचर और बहुत अच्छा होता था उस समय। बैंगलोर की खासियत है कि अगर थोड़ी सी भी गर्मी हो तो बारिश हो जाती थी शाम को, एवरी डे लिटिल बिट ऑफ हीट, पेड़ विल डू ट्रांसपिरेशन और शाम को वही पानी नीचे गिर जाएगा, वातावरण बिल्कुल ठंडा बढ़िया। लेकिन हमने वो सारी चीजें ही हटा दी, तो ऑफकोर्स इसलिए अब अगर थोड़ी सी भी बारिश हो बैंगलोर में बाढ़ आ जाती है। और मैं बैंगलोर को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं, मुझे वहां की चीज इसलिए याद है क्योंकि मैं वहां पर करीब 8-10 साल रहा, बट यही स्थिति ज्यादातर हर शहर में हो रही है क्योंकि हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ट्री कवर खत्म करते गए, जितनी बिल्डिंगें बने वो तो अच्छी है, वो तो बढ़िया है, वो हमारी प्रोग्रेस की निशानी है, लेकिन उससे ज्यादा हमें पेड़ों के ऊपर, या उतने ही पेड़ों के ऊपर, उससे ज्यादा पेड़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी सारी चीजें हमारे लिए करते हैं जिसके ऊपर फनल, लाइक आई सेड, दे बाइंड द होल। और इसीलिए बाढ़ आ जाती है, बाढ़ हल्की सी बारिश हुई क्योंकि मट्टी को रोकने वाला कोई नहीं है, पेड़ मट्टी को रोक लेते हैं, रोकने वाला कोई नहीं है, तो बाढ़ आएगी तो मट्टी के साथ, बारिश के साथ बहकर सारी मट्टी चली जाएगी, एंड टॉप सॉइल इज कंप्लीटली लॉस्ट, एंड दैट इज वॉट वी विल हैव टू सॉर्ट ऑफ फेस विद।
एनीवेज, चलिए अब मुझे लगता है कि हमने पेड़ों की क्यों क्यों हमारे लिए इनकी जिंदगी बेहतर है, और क्यों इनकी हिस्ट्री देखी, इनकी एनाटॉमी देखी, इनकी यूजफुलनेस और यूटिलिटी देखी, लेकिन खाली यहीं पर स्वार्थ की नजर से नहीं देखेंगे, इनकी जिंदगी किस तरह से रोचक और इंटरेस्टिंग है ये देखने की कोशिश करेंगे। और इसको दिखाने के लिए मैं आपको ये किस तरह से पेड़ हमारे उड़ सकते हैं ये देखेंगे, किस तरह से पेड़ हमारे उड़ सकते हैं ये देखेंगे, किस तरह से गणित और आर्ट और क्राफ्ट कर सकते हैं, गणित कर सकते हैं और साथ में रह सकते हैं, इसको करने के लिए मैं आपको उन्हीं के पास ले चलता हूं जिन्होंने इस पूरे एपिसोड की इतना बड़ा मतलब जिन्होंने पूरी इसकी तैयारी करी, और पूरा एपिसोड जिन्होंने जिनके साथ मिलकर श्रद्धा चैतन्य नीरजा के पास ले चलता हूँ। सर पुनः नमस्कार। 30:30 के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चैतन्य मुंगी है और मैं आईसर पुणे से आपसे बात कर रहा हूँ। तो आईसर जो है उसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और ये हमारे देश के प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक है। ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे इंडिया में जो बहुत से आईसर्स हैं उनमें से एक जो पुणे में, वहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने आईसर से ही PhD किया हुआ है, और मेरा PhD जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि हमारी धरती पर जीवन का उगम कैसे हुआ रहेगा उस पर हमने काम किया था। इसकी थोड़ी सी केमिकल समझ हमने जानने की कोशिश की थी कि केमिस्ट्री के माध्यम से हम ये कैसे समझ सके कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसी हुई रहेगी। और इसी आईसर पुणे में जो एक श्रीमती इंद्राणी बालन साइंस एक्टिविटी सेंटर करके जगह है, जहाँ पर हम छोटे छोटे खिलौने बना के साइंस को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। साइंस एक्टिविटी सेंटर और IITCCL के कोलैबोरेशन से ये जो 30:30 का प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसके थ्रू हम आपसे जुड़ने के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इस आज के इस एपिसोड में हम ये देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, प्राण वायु से लेके हवा शुद्ध करने से लेके पानी देने से लेके सभी चीज़ें जो है वो प्लांट्स हमारे लिए करते आ रहे हैं। पर इन प्लांट्स की अपनी खुद की एक इंटरेस्टिंग जिंदगी है, और उनकी जो सीक्रेट लाइफ है वो हम अभी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ एक सिंगल प्लांट जो है वो एक सिंगल प्लांट किस तरीके से जीता है, लेकिन एक फॉरेस्ट जब बन जाता है तो फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज। एक फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ बहुत से पेड़ साथ में आके नहीं बनता, उसका खुद का एक अपनी खासियत है और वो भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने अभी कहा कि ट्रीज की अपनी एक इंटरेस्टिंग लाइफ होती है, और कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि हम इंसान कर सकते हैं या फिर हम इंसानों ने इन्वेंट की है, वो ट्रीज बहुत पहले से कर चुके हैं। और इनमें से चार चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे कि किस तरीके से ट्रीज जो है वो ट्रीज ने फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स तक बना चुके हैं। ट्रीज आर्ट्स करना जानते हैं तो ट्रीज ओरिगामी करके इंसेक्ट्स बना सकते हैं। ट्रीज को मैथ्स आता है और उन्होंने मैथ्स एक्सप्लोर करके बहुत से कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाए हुए हैं। और कई सारे इन्वेंशंस जो हमें लगता है हम इंसानों ने किए हुए हैं वो ट्रीज ने बहुत पहले से करके रखे, और कई सारे नए इन्वेंशंस जो हम करते आ रहे हैं वो करने के लिए ट्रीज ने हमको ये वेलक्रो के फॉर्म में कैसे हेल्प किया है वो भी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो पहली चीज जो हम बात कर रहे थे कि जो फ्लाइंग मैकेनिज्म्स है, तो हम इंसानों ने लगभग 100-150 साल पहले फ्लाइट का इन्वेंशन किया हुआ है, लेकिन ट्रीज ने जो है फ्लाइट बहुत पहले ही इन्वेंट करके रखी हुई है। और ट्रीज ने हमारे जो सीड्स है, ट्रीज के जो सीड्स है वो फैलाने के लिए ट्रीज ने फ्लाइट का इन्वेंशन किया हुआ है। हम इंसानों ने अपने रिक्रिएशन के लिए, अपने मजे के लिए फ्लाइट का इन्वेंशन किया हुआ है, बट ट्रीज का पर्पस जो है वो बहुत ही नॉवल है कि उन्होंने अपने सीड्स अपने से दूर तक पहुंचाने के लिए फ्लाइट का इन्वेंशन किया हुआ है। और ये किस तरीके का फ्लाइट का इन्वेंशन है उसके कुछ चित्र मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो चित्र आप देख सकते हो यहाँ पर जिस तरीके का ये जो सिंगल विंग्ड हेलीकॉप्टर है, आज तक हम जो भी हेलीकॉप्टर देखते हैं उसमें हमेशा दो तरह के विंग्स दो विंग्स होते हैं, पर ट्रीज ने पहला जो है वो सिंगल विंग्ड हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है। ये जो आपको नीचे सीड दिख रहा है ये महोगनी का सीड होता है जिसको सिंगल विंग हेलीकॉप्टर की तरह देखा जाता है। उसी के साथ साथ ट्रीज ने हेलीकॉप्टर्स बनाए हुए हैं, पैराशूट्स बनाए हुए हैं, ग्लाइडर्स बनाए हुए हैं। और ये किस तरीके से काम करते हैं, तो ये एक छोटा सा खिलौना हमने कई बार आपको दिखाया हुआ था जिसे हम रोटोकॉप्टर कहते हैं, और ये रोटोकॉप्टर अगर आप इसको हवा में छोड़ देंगे तो ये अच्छे तरीके से घूमते हुए नीचे जाते हुए आपको दिखता है। और इसी तरीके से ये जो सीड्स है ये हवा में घूमते हुए नीचे चले जाते हैं, और नीचे जाने वाले ये जो सीड्स है वो हवा में धीरे धीरे जाने की वजह से हवा के फ्लो के साथ ट्री से दूर चले जाते हैं। अब हम कई बार ये सोचते हैं कि ट्रीज जो है वो सिर्फ कोई फ्लाइंग आइडियाज इन्वेंट कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। ट्रीज को आर्ट्स करना भी बहुत अच्छे से आता है। सो हम इंसानों ने जो ओरिगामी करना सीखा हुआ है, जो पेपर फोल्ड करके हम अलग अलग क्रीचर्स बनाते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स ने जो है अलग अलग तरीके के फ्लावर्स बनाए हुए हैं। एंड प्लांट्स कैन बी सीन एज ब्लाइंड आर्टिस्ट।
अब हम इन्हें ब्लाइंड आर्टिस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स की तो आंखें नहीं होती। जैसे हमने इंद्रियों पर चर्चा की थी कि हमारे जो अलग अलग सेंसेस है उस तरीके के प्लांट्स में अलग अलग सेंसेस नहीं होते, बट फिर भी प्लांट्स जो है वो बिना आंखों के एक आर्टिस्ट है, ब्लाइंड आर्टिस्ट है। और किस तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट वो प्लांट्स करते हैं इसका हम एक चित्र अभी देखते हैं। कि अगर आपको हम पहले ये ना बताएं तो ये जानना शायद मुश्किल हो जाएगा कि जो कीड़े जैसे दिखने वाली चीज़ें इस चित्र में आपको दिख रही है वो असली में कोई कीड़े नहीं है, तो वो एक प्लांट्स ने बनाए हुए फ्लावर्स है। और ये किस तरीके के फ्लावर्स है, तो इन्हें ऑर्किड्स कहा जाता है। और कुछ ऑर्किड के स्पीशीज़ में ये देखा गया है कि जो फ्लावर का जो शेप होता है वो एक इंसेक्ट की तरह हो जाता है, ताकि वो एक नर को या फिर एक मादा को अट्रैक्ट कर सके। और किस कीड़े को, किस इंसेक्ट को उस फ्लावर को अट्रैक्ट करना है, उस हिसाब से उस फ्लावर का शेप चेंज हो जाता है। क्या वो नर को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो मादा को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो बम्बल बीज को अट्रैक्ट कर रहा है, या कौन से बीज को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से उसका शेप चेंज हो जाता है। और ये जो शेप चेंज होने की एक्टिविटी है या फिर ये जो प्रक्रिया है, वो प्लांट्स को ओवर द ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन समझ में आने लग गया है कि कौन से तरीके का फ्लावर जो है उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस जिसका ज़्यादा होगा, वैसे फ्लावर्स का शेप जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स जो है वो एक चालाक आर्टिस्ट की तरह है, एक ब्लाइंड आर्टिस्ट की तरह है, लेकिन उसका एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स जो है वो एवोल्यूशन में छुपा हुआ है। पर ऐसा ही नहीं है कि प्लांट्स जो है वो सिर्फ कोई हमारे जो सीड्स है वो खुद से दूर पहुंचाना चाहते हैं और उनकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि कंगारू है या फिर छोटे बंदर है, जो अपनी माँ को एकदम चिपक के बैठे रहते हैं, फिर कंगारू जो है वो अपने छोटे बच्चों को अपने पास में रखते हैं जब तक वो थोड़े बड़े ना हो जाए, उसी तरीके से ट्रीज जो है वो भी अपने यंगलिंग्स, अपनी सीड्स की बहुत चिंता करते हैं। और इसका एक बहुत ही उमदा एग्जाम्पल हम आपको दिखा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे प्लांट्स आर लाइक केयरिंग मदर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर एक ट्री है जो किसी मार्शी लैंड में, जिसको स्पेशली ये तो मैंग्रोव्स के ट्री है जो दलदल में पाए जाते हैं, और अगर वहाँ पर नीचे पानी हो और ऊपर जो पेड़ ग्रो हो रहा है उस पेड़ के जो सीड्स है वो अगर इस पानी में गिर गए तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए पेड़ क्या करता है कि उस सीड्स को अपने ही ऊपर जर्मिनेट होने देता है। जैसे कंगारू अपने बच्चे को लेकर बैठा रहता है, वैसे ही ट्रीज जो है वो अपने सीड्स को लेकर बैठता है, और वहाँ पर सीड्स जर्मिनेट होने के बाद एक एरो की तरह, एक सीड का जो डार्ट की तरह वहाँ पर बनते हुए हमें नज़र आता है। और ये जो रूट वहाँ पर आपको ग्रो होते हुए दिखा था, वो रूट का जो लास्ट पोर्शन है वो हार्डन हो जाता है, और ये एक लंबा सा तीर जैसा जो बन जाता है वो जब ज़मीन में पानी के थ्रू धंस जाता है, और फिर वो सीड जर्मिनेट हो पाता है। तो हमने ये देखा कि प्लांट्स किस तरीके से कुछ इमोशंस, जैसे केयरिंग फॉर योर यंगलिंग्स वाला इमोशंस है, वो भी प्लांट्स दिखा देते हैं। और एक एक इंटरेस्टिंग कहानी मेरे साथ अभी थोड़े दिनों पहले ये हुई थी कि मैं नर्सरी में प्लांट्स खरीदने गया था, और वहाँ पर सक्यूलेंट्स जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे बहुत से क्यूट पौधे होते हैं, मैं उसका फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने उसका खुद ही फ़ोटो खींच लिया था। अब ये जो प्लांट्स है, ये जो सक्यूलेंट्स पाए जाते हैं, इन सक्यूलेंट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री आपको होते हुए नज़र आएगी। और ये दो अलग अलग टाइप के सक्यूलेंट्स हैं, पर दोनों में उसी तरीके का एक लीव्स का पैटर्न बनते हुए आपको यहाँ पर नज़र आता रहेगा। और ये लीफ का पैटर्न देख के मुझे बहुत ही ये इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जो है, ऐसे लीव्स का अरेंजमेंट जो है, वो प्लांट्स कैसे कर पाते रहेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने में मुझे ये समझ में आया है कि प्लांट्स अपने लीव्स जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं रखना चाहते, क्योंकि अगर दो लीफ एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो जो ऊपर से आने वाला सनलाइट है वो ऊपर का लीफ नीचे के लीफ का सनलाइट ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए सनलाइट की एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए प्लांट्स ने एक सिंपल सा रूल बनाया हुआ है कि प्लांट्स क्या करते हैं, जो एक पहला लीफ है और उसके ऊपर ग्रो होने वाला लीफ है, वो दोनों एक दूसरे से 137.5 डिग्री के एंगल पे ग्रो होते हैं। और इस तरीके से जो है वो जो लीव्स का अरेंजमेंट बनता जाता है, जो लीव्स का एक स्पाइरल बनता जाता है, इस स्पाइरल को हम हेमचंद्र फिबोनाची स्पाइरल की तरह जानते हैं। अब ये हेमचंद्र फिबोनाची स्पाइरल जो है वो प्लांट्स में कई तरीके से एक्सप्लोर किया गया है या फिर कई जगह पर पाया जाता है। दूसरा उसका एग्जांपल जो है कि किस तरीके से प्लांट्स कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो सीड्स का अरेंजमेंट जो हमें पाया जाता है वो भी इसी तरीके के स्पाइरल में देखा गया है। और ये स्पाइरल का नंबर क्या है या फिर ये स्पाइरल कैसे बनता है वो अगर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो हमें ये दिखता है कि ये हेमचंद्र फिबोनाची स्पाइरल में 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 सो ऑन सो फोर्थ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं। और इन नंबर्स की खासियत यह है कि इसका दूसरा अंक जो है वो पहले दो अंकों का एडिशन से बनता है, और जैसे जैसे ये नंबर्स बड़े हो जाते हैं और इन नंबर्स का आप रेशो लेते हो तो ये रेशो जो है एक इरेशनल नंबर 5 की तरफ अप्रोच करता है। ये 5 की वैल्यू जो है ये 1.618 .. ऐसी उसकी वैल्यू है, और इस वैल्यू से जो एक रेशो हमें मिलता है उसे हम गोल्डन रेशो कहते हैं।
और गोल्डन रेशो का सिग्निफिकेंस यह है कि गोल्डन रेशो जो है वो नेचर में कई जगह पर पाया जाता है। इस तरीके से जो हम गोल्डन रेशो यहाँ पर अभी सीड्स में देखने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम आपको एक सिमुलेशन दिखाते हैं। जो सीड्स का जो स्पाइरल अरेंजमेंट हमने देखा था वो किस तरीके से गोल्डन रेशो में होता है, उसका जो एक सिमुलेशन है वो ये सिमुलेशन इस तरीके से चालू होता है कि अगर ये 600 सीड्स है, इन 600 सीड्स को अगर आप अरेंज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो सिर्फ 5 लाइन में अरेंज हो गए और उसमें बहुत सा ओवरलैप है, बहुत सी खाली जगह वहाँ पर बच गई है। पर अगर हम इस सिमुलेशन का जब चालू करते हैं और वो जो 0.6 का रेशो था, वो जो 1.618 के बदले अगर हम 0.618 की तरफ जैसे ही जाते जाते तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये सीड्स जो है वो स्पाइरल में बनते जाते हैं और सेंटर में जो ओवरलैप हो रहा था या फिर जो एम्प्टी एरिया था वो हमें कम होते हुए नज़र आएगा। और हम आपको एग्जैक्टली वो 5 वाले रेशो पर दिखा देते हैं कि इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हो कि सीड्स में ओवरलैप सबसे कम है, एम्प्टी जगह बहुत ही कम बची हुई है और सीड्स ने मैक्सिमम एरिया जो है वो यूटिलाइज किया हुआ है। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर इसके पीछे मैं एक फ्लावर रख देता हूँ तो हम देख सकते हैं कि वो सनफ्लावर के सीड्स के जो अरेंजमेंट्स थे वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न में पाए जाते हैं। और इस पैटर्न से, ये सनफ्लावर के सीड के अरेंजमेंट के पैटर्न से हमने क्या सीखा हुआ है या फिर हमने क्या इन्वेंशन इससे दिया हुआ है या फिर हम ह्यूमंस ने ये देख के क्या बनाया हुआ है, अगर हम ये पूछे तो ये देख सकते हैं कि कैसे सनफ्लावर के सीड्स के पैटर्न का जो एफिशिएंसी है वो हमने रेप्लिकेट किया एक सोलर पैनल के फॉर्म में। तो जैसे सनफ्लावर जो है वो सीड्स पैक करना चाहता है, वैसे ही हम सोलर पैनल जो है उससे मैक्सिमम सरफेस एरिया यूटिलाइज कर, मिनिमम सरफेस एरिया यूटिलाइज करके मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का एक सोलर प्लांट है जहाँ पर ये देखा गया था, वहाँ पे जब उन्होंने ये फिबोनाची स्पाइरल की तरह उन सन सोलर पैनल्स को अरेंज किया तो हमें ये दिख पाया कि ये किस तरीके से मैक्सिमम सनलाइट यूटिलाइज कर पाते और 20% तक का सरफेस एरिया जो है वो उनका बच गया था। इसी के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे प्लांट्स जो है वो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री वाला पैटर्न जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स मैथ्स होता है वो बहुत ही आसानी से कर देते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देने के लिए ये मेरे पीछे जो एक टॉय रखा हुआ है प्लांट्स के ब्रांचिंग का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस टॉय में जिस तरीके से आप देख सकते हो कि नीचे से एक ब्रांच शुरू होता है या फिर एक मेन स्टेम जो है वो शुरू हो रहा है और वो ऊपर जाके 2-3 अलग अलग ब्रांच में बढ़ते हुए आपको दिखेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है इसमें ये देखा गया है कि लियोनार्डो दा विंची ने लगभग 2000 साल पहले ये देख के रखा हुआ था कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है एक स्टेम का, वो जैसे ही ब्रांचिंग होने लगता है तो ब्रांचिंग पॉइंट पे दो ब्रांच का क्रॉस सेक्शनल एरिया और उस स्टेम का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा सेम आता है। तो अगर आप उनके डायमीटर्स का स्क्वायर देखोगे तो बड़े डायमीटर का स्क्वायर और इन दो छोटे डायमीटर का स्क्वायर है वो हमेशा मैच करता है। और इसका जो एक सिंपल सा ये एक पाइथागोरस जैसा एक थ्योरम जैसा इन्वेंशन अगर हम देख सकते हैं तो ये प्लांट्स ने कई हजारों साल पहले करके रखा हुआ है। और इसका ये चित्र जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस आइडिया का यूज़ करके प्लांट्स का जो सिमुलेशन बनाए जाते हैं या फिर जो ग्राफिक आर्टिस्ट है वो प्लांट्स के ब्रांचिंग बनाते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम ये देख पाते हैं कि प्लांट्स जो है उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को बहुत ईजीली एक्सप्लोर किया हुआ है। इसी के साथ साथ इन प्लांट्स को देख के, इन प्लांट्स के जरिए हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल जो मैंने आपको कहा था जिसे बायो मिमिक्री कहा जाता है, तो हमने प्लांट्स को देख के, नेचर को देख के किस चीज़ का इन्वेंशन किया हुआ है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेलक्रो है ये आपने कई आप में से कई लोगों ने ये सीड्स हमेशा देखे रहेंगे। कई बार आप कहीं से जा रहे हो तो ये आपके पैंट पर चिपक जाते हैं या फिर ये जो हुक्स है ये धतुरा के इसे सीड्स कहा जाता है और इन सीड्स को बहुत ही शार्प हुक्स होते हैं और कोई भी स्मूथ सा सरफेस रहेगा, भेड़ बकरी है या फिर कोई इंसान है जो चल रहा है और उनके कपड़ों पे ये सीड्स जाके चिपक जाते हैं। हमने से कई लोगों ने ये सीड्स देखे रहेंगे लेकिन 1941 में स्विस इंजीनियर जॉर्ज डिमेस्ट्राल ने जब ये सीड पहली बार देखा था तो वो देख के उन्हें वेलक्रो का इन्वेंशन करने का आइडिया आया कि एक अगर स्मूथ सरफेस रहेगा और एक जगह पर अगर हुक्स रहेंगे, स्मूथ मतलब ऐसा फ्लफी सा सरफेस रहेगा और एक जगह पर हुक्स रहेंगे तो वो दोनों एक दूसरे में अच्छे से फंस जाएंगे, इसकी आइडिया यूज़ करके उन्होंने वेलक्रो का इन्वेंशन किया हुआ था। तो इस तरीके से हम ये देख पाते हैं कि प्लांट्स की जो इंटरेस्टिंग लाइफ है वो जब हम देख पाते हैं, उसको जब हम एक्सप्लोर कर पाते हैं तो उससे हम कई सारे इन्वेंशंस कर पाते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि उनकी खुद की लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ साथ हम ये भी सोच पाते हैं कि ये जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट का हम यूज़ करके आप तक पहुँच पा रहे, तो ये इंटरनेट भी प्लांट्स ने बहुत पहले बना लिया है। और इसका क्या मतलब है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं
तो इस प्लांट के इंटरनेट को वुड वाइड वेब कहा गया है। और ये वुड वाइड वेब क्या करता है कि प्लांट्स के जो रूट्स है वो प्लांट्स के रूट्स एक फंजाई के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और ये जुड़े हुए रूट जो है इसका इस्तेमाल करके, इस फंजाई का इस्तेमाल करके प्लांट्स एक दूसरे में जो है न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर दूर किसी प्लांट में कोई वायरस इन्फेक्शन जैसा हो जाता है तो बाकी प्लांट्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं कि चलो कोई वायरस इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, तो प्लांट्स उसके हिसाब से अपनी केमिकल सिस्टम्स चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत। और हमारी तरह वो इंटरनेट का इस्तेमाल पबजी खेलने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ नहीं कर रहे, वो इंटरनेट जो है प्लांट्स का जो वुड वाइड वेब है इसका इस्तेमाल बहुत प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए किया जा रहा है। और ये इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये वुड वाइड वेब कैसे इन्वेंट हुआ था या फिर इसकी आइडिया कैसे लोगों को आई थी। तो एक बार एक फॉरेस्टर जो थे वो जंगल में चल रहे थे, और जंगल में चलते चलते वो एक स्टंप, एक पत्थर जैसे स्टंप पे वो टकरा गए। और इस पत्थर जैसे स्टंप पे जब वो टकरा गए तब उन्हें वहाँ पर नज़र आया कि ये कोई पत्थर नहीं है। उन्होंने उसके थोड़ा सा स्क्रेप करके देखा तो उन्हें पता चला कि वो एक्चुअली एक लिविंग ट्री है। और इस लिविंग ट्री की खासियत यह है, या फिर इस लिविंग ट्री की ऐसी बात उन्हें नज़र आई कि उसके ऊपर कोई लीफ नहीं है, उसका स्टेम नहीं है। तो बिना फोटोसिंथेसिस किए, बिना खाने पीने के ये ट्री 100-150 सालों से, मतलब कई सौ सालों से जीते हुए आ रहा था। तो तब उन्हें ये पता चला कि वो जो ट्री के रूट्स है, बाकी ट्रीज जो है वो उस ट्री को खाना दे रहे थे, या फिर बाकी के ट्रीज से मिलने वाले खाने पर वो ट्री जिंदा रह रही थी। और इसी के इस कहानी से हमें एक पता चलता है कि कलेक्शन ऑफ ट्रीज जो है वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है एक इंडिविजुअल ट्री से। और इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल अभी देखेंगे कि जापानीज लैंग्वेज में जो है एक ट्री का जो सिंबल होता है वो सिंबल, हम एक सिंगल ट्री का ये सिंबल आपको दिख रहा है। जापानीज एक्चुअली एक पिक्टोरियल लैंग्वेज है, तो वो अलग अलग तरीके से जो है चित्र सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और ये पहला सिंबल जो आपको दिख रहा है वो एक ट्री का है, और क्या आप गेस कर सकते हो कि जो तीन सिंबल है वो किसका हो सकता है? तो चैट में आप हमें लिख के बता सकते हो। ये आंसर जो है, कई बार हम ये सोचते हैं कि कई सारे पेड़ जब साथ में आ जाते हैं तो एक ट्री बन जाता है, बट ये ऐसी कोई बात नहीं है, एक फॉरेस्ट बन जाता है। और कई सारे ट्रीज जब साथ में आते हैं तो सिर्फ ट्रीज का कलेक्शन एक फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म है, फॉरेस्ट में अपनी खूबियाँ है, अपने अलग अलग चीज़ें फॉरेस्ट में हो रही है। अ वेरी गुड कंपैरिजन ऑफ दैट वुड बी विद अ मल्टीकल्चरल सिटी और अ विलेज। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि कई सारे इंसान अगर सिर्फ एक साथ आ जाए, पर वो सेम टाइप के इंसान होंगे तो उससे कोई गांव नहीं बनता। एक गांव में अलग अलग किस्म के इंसान होते हैं, वहाँ पर कोई लोहार है, कोई कुम्भार है, कोई टीचर है, तो इस तरीके से अलग अलग लोग अपनी खूबियाँ साथ में लाते हैं और एक गाँव बनता है। उसी तरीके से अलग अलग तरीके के पेड़ जो है वो एक साथ आते हैं और उससे एक फॉरेस्ट बनता है। इस फॉरेस्ट में हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो वुड वाइड वेब है, या फिर जो अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट के बीच के इंटरकनेक्शंस है, उसके वजह से फॉरेस्ट बहुत ही स्पेशल होता है। और इसीलिए हमारे पास जो फॉरेस्ट अभी देखे जा रहे हैं वो हम इसी तरीके से रिक्रिएट नहीं कर सकते। वी कैनॉट जस्ट रिक्रिएट फॉरेस्ट जस्ट बिकॉज वी आर प्लांटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज टुगेदर। दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू जेल विथ ईच अदर, टू बॉन्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म दीज टाइप ऑफ कनेक्शंस। इसीलिए फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और रही बात फॉरेस्ट की या फिर ट्रीज के बीच के कनेक्शन की, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बीच में जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि ब्रिटिश रेलवेज बनने के टाइम पे ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ पे बहुत से रिसोर्सेज जो है वो यूज़ अप कर लिए थे, या फिर जो रेलवेज बनाए गए थे वो, कई बार हम ये सोचते हैं कि ब्रिटिशों ने हमारे लिए रेलवेज बनाए या फिर वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज़ करके गए, लेकिन रेलवे इसलिए बनाए गए थे ताकि इंडिया के रिसोर्सेज जो है वो बाहर के देशों तक लेके जा सके। और ये रिसोर्सेज लेके जाने के लिए जो रेलवे बनी थी, वो रेलवे की पटरी बनाने के लिए, उसका स्लीपर बनाने के लिए साल ट्री बहुत बार काटी जाती थी। सो साल, या फिर जिसे हम सागवान भी कहते हैं, इस ट्री से हमेशा जो है वो रेल की पटरी बनती थी। और ये फॉरेस्ट कट करते वक्त उन्हें ये समझ में आया था कि जो सिंगल ट्रीज है जो फॉरेस्ट से दूर चले जाते हैं, या फिर अगर जब आप फॉरेस्ट काट रहे हो तो अगर कुछ इंडिविजुअल ट्रीज फॉरेस्ट से दूर चले जाते हैं, सो दीज ट्रीज वुड डाई ऑन देयर ओन, मतलब वो अपने आप मर जाते थे। एंड इट वॉज सेड दैट दीज ट्रीज डाइड ऑफ लोनलीनेस, मतलब एक अकेलापन महसूस होने की वजह से वो ट्रीज मर गए। एक्चुअली अगर हम इस वुड वाइड वेब के आइडिया से वो सोचे तो इन ट्रीज के जो अपने दूर के ट्रीज से कनेक्शंस थे वो सब टूट गए थे, और इस वजह से वो ट्रीज मर जाने का खतरा जो है वो बढ़ गया रहेगा। इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो सिर्फ वुड वाइड वेब से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। अब हम ये भी देखेंगे कि कैसे प्लांट्स जो है वो एक दूसरे से केमिकल सिग्नल से भी कम्युनिकेट करते हैं। और उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो है वो एक इजरायली बबूल का एग्जाम्पल है, जहाँ पर जिराफ जो है वो इन प्लांट्स को खाते हैं,
और इन प्लांट्स को खाते वक्त हम ये देख सकते हैं कि जो जिस पत्ते को चबाया जा रहा है वो पत्ता जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, और ये केमिकल्स जो है वो हवा के साथ साथ बाकी पौधों तक, बाकी पेड़ पौधों तक चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इन बाकी पेड़ों को पता चलता है कि कोई जिराफ किसी पत्ते को खा रहा है, और इसी वजह से ये पत्ते जो है ये अपना केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़े से बिटर हो जाते हैं ताकि जिराफ को उनको खाने की इच्छा ना हो। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे फॉरेस्ट में ट्रीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक कम्युनिटी की तरह वो ट्रीज साथ में रहते आ रहे हैं। और इन ट्रीज़ को हम एक बहुत ही मैजेस्टिक क्रीचर्स है ट्रीज, जिनके बारे में पढ़ते वक्त हम कई बार जब बॉटनी पढ़ते हैं तो बहुत ही सिर्फ फैक्ट्स रट्टा मारते हैं, या फिर बहुत रुक्ष तरीके से हम वृक्ष की तरफ देखते हैं, और उनकी जो इंटरेस्टिंग लाइफ है उसे हम कई बार भूल जाते हैं। साथ ही साथ हम ट्रीज़ के प्रति बहुत ही इग्नोरेंट है, या फिर हम उनके प्रति जो रिस्पेक्ट हमें होना चाहिए वो कई बार नहीं होता है। एक दूसरी कहानी जो मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ी थी, या फिर एक इंसिडेंस, एक न्यूज़ जो मैंने देखा था कि एक 3500 ईयर ओल्ड ट्री जो है वो एक 28 साल के इंसान की गलती की वजह से जल गया था, एंड दिस इज़ अ 125 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। सो एक 3500 साल पुरानी ट्री अगर एक 28 ईयर ओल्ड के वजह से जल जाती है तो ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ट्रीज़ जो है उनकी बहुत सी फैसिनेटिंग जो लाइफ है वो हमें हमेशा देखनी चाहिए, एंड ट्रीज से हम क्या क्या सीख सकते हैं वो भी हम इस एपिसोड में हमने देखा है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो फॉरेस्ट है ये बचाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम फिर से मनीष जी के पास जाएंगे जब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, आपने देखा चैतन्य भाई ने किस तरह से ये सारी चीजें हमको बताई कि पेड़ों की जो जिंदगी है, और हमको इस एपिसोड में बस खत्म करूंगा 2 मिनट में, ये तो हमने देखा। और मैं खूब सारे चैट मैसेजेस भी पढ़ रहा था, मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया चैट पढ़ने का। मैंने ये देखा कि काफी सारे लोगों के अंदर ये भाव चला गया कि हमें पेड़ों को देखना चाहिए, बचाना चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज वेरी नाइस, बट अंत में हम करें क्या, इसके ऊपर भी हम 2 मिनट लगाकर देख लेंगे कि आखिर हम क्या करें। बस इस बारे में फीलिंग आ गई कि हाँ बहुत जरूरी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है टू रियलाइज। हमारी नजर जब बदलेगी तो नजारे बदल जाएंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि एक जो पेड़ है ये 70 लीटर का, मैं बस वो आपके सामने जो चंद फिगर्स थी वो मैं आपके सामने वापस डालकर दिखाना चाहता हूं। हमें अगली बार जब हम पेड़ को देखें तो हमें ये दिखे कि एक 5 वाट का वह ये पंप है जो हमेशा चलता रहता है। ये पेड़ जो है हमारे 70 लीटर का कूलर है, और ये एक किलो चीनी जो हमें देता है उसको पैदा करने के लिए 750 लगभग 800 लीटर की कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो ये सारी चीज हम जब इस पेड़ को हम इन तरीकों से अगर अपनी नजर बदल कर देख पाएंगे तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हमें ये देखना पड़ेगा पेड़ों की किस तरह से, एंड आई थिंक माई टीममेट्स वर सॉर्ट ऑफ टेलिंग मी कि हम ये वाली स्लाइड दिखाना भूल गए, तो मैं आपको एक सेकंड में दिखा देता हूँ कि पेड़ों की 4 लाख स्पीशीज हैं, 4 लाख ट्री स्पीशीज कंपेयर टू ह्यूमंस विच आर, और मैमल्स विच आर अबाउट 7000 स्पीशीज। 4 लाख पेड़ की प्रजातियां हैं, हमसे कितने ही समय से हैं, और हमने क्या करा उसका एक नजर हम बस डालें। हमने करा क्या, हमने और वो जुड़ा हुआ आपका सवाल भी था जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा था, लेट्स लुक एट दैट। और वो सवाल ये था कि हमने जो इतने सारे जंगल काटे और उसको काटने के लिए उसका जो है किस लिए काटे, और वो सब जय सवाल और नहीं करा। वी आर डिस्ट्रॉइंग 400 स्क्वायर फुट ऑफ जंगल पर ईयर पर पर्सन, किस लिए? बर्गर के लिए, खाना बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तेल के लिए, इंडस्ट्री के लिए। इसके लिए हमने कोई और इंटरेस्टिंग चीज नहीं डाली, बट ये अप्रैल फूल की जगह अप्रैल कूल कर देना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैट मैसेजेस आते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम लोग शायद थोड़ा ध्यान देंगे मैसेजेस पढ़कर, अगर कोई हमें बताता रहे कि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं उनके ऊपर प्रतिक्रिया अपनी कर सकता हूं। बहुत ही, मुझे 2 मिनट का समय मिला था, मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े। कुछ लोगों ने कहा कि जनसंख्या ये कारण है कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसका भी थोड़ा सा कभी मौका मिला तो खुलासा कर सकते हैं कि किस तरह से जनसंख्या तो एक बहुत छोटा कारण है, हमारी कंजम्पशन की नीति या इंटेंशन सबसे बड़ा कारण है। और मैं आपको दिखाऊंगा, कि किस तरह से कंजम्पशन, इट्स नॉट द ह्यूमन बीइंग्स, देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीबॉडी ऑन अर्थ, इज जस्ट दैट द अमाउंट, क्या बोलते हैं वो गांधी जी वाला, वो देयर इज नीड फॉर ग्रीड, या मैं भूल गया वो कोट, बट चलिए उत्तर देख लेते हैं, समय कम है जी। और बड़ा ही रोचक उत्तर है, और मैं आपको इसको करने के लिए आपको बड़ा एक सुंदर एक चित्र दिखाना चाहूंगा।
और ये वो उत्तर है जो सबसे लोगों ने सबसे कम उत्तर दिया है। ज्यादातर लोगों ने जो उत्तर दिए हैं, कोई नंबर अगर पढ़ के हमें बता दे, हमारी स्क्रीन के बाहर निकल गए। सबसे ज्यादा उत्तर बी है। बी कितने लोगों ने दिया है? 400 लोगों ने जो बी उत्तर दिया है वो बोला बिल्ड हाउसेज, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। बी जो सबसे ज्यादा 363 लोगों ने दिया है वो कहा एडिबल ऑयल, पार्शियली करेक्ट बट ओनली 10%। और फिर लोगों ने सॉरी डी इंडस्ट्री, वो पार्शली वो तो और कम है। सी इज लार्जली 123 जो कुछ लोगों ने कहा है। और सबसे कम जो लोगों ने जब जो सही उत्तर है वो है बर्गर। और बर्गर मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जो आप बर्गर खाते हैं, बट जनरली दी एंड उसका चित्र, और उसको दिखाने के लिए मैं आपको ये चित्र दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, नहीं नहीं ये वाला नहीं, लेट मी टेक यू टू आईपैड। कहाँ गया वो बायोमास वाला? ये रहा। फॉरेस्ट लॉस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई प्लांटेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, 63% ऑफ द फॉरेस्ट वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ कैटल। और इसलिए नहीं कि इन्होंने यहां पर, ये कैटल ने यहां पर घास खाई, नहीं, इनके लिए समान होगा, इनके लिए क्या समान होगा, लार्जली मक्का, मक्का या सोयाबीन, सोयाबीन। और इन दोनों को चीजों को खाकर फिर इंसानों ने इन चीजों को खाया, इसके लिए 63% ऑफ द रेन फॉरेस्ट वॉज गॉन। 63% फॉरेस्ट सिर्फ इस कारण से गए। ये दो चीजें जो दो चित्र में, कैटल यानी के जो गाय भैंस उगाने के लिए और फिर उनको खाने का काम जो करा जाता है, और फिर चिकन ये जो मुर्गी है। एंड देन ऑफकोर्स लार्ज परसेंटेज वॉज ऑयल पाम यानी एडिबल ऑयल। आजकल इतना सारा भारत में 1/3 ऑफ द ऑयल इज इंपोर्टेड एंड लॉट्स ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम पाम ऑयल प्लांटेशन, पाम ऑयल प्लांटेशन वहां से। और फिर ऑफकोर्स सोयाबीन, ऑफकोर्स सोयाबीन इसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैंने ऐड नहीं करा, बट ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे हम तो बर्गर नहीं खाते, बढ़िया बात है आप नहीं खाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एंड बर्गर वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट जस्ट बर्गर, इट्स ऑल दी फूड दैट वी ईट। और उसको देखकर ये इस बात पर अपन चर्चा कर सकते हैं कि तो फिर करें क्या, और करें क्या के लिए मैं एक और आपको तस्वीर दिखाना चाह देता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं किस तरह से हम लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं और क्या रहते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सभी लोग अगर उसी तरह करें तो 5 धरतियाँ चाहिए। अगर इस तरह से रहें जिस तरह से अमरीका में कंजम्पशन होता है, अगर इंग्लैंड की तरीके से रहेंगे तो लगभग 3 धरतियाँ चाहिए। और आप देख सकते हैं इस तरह से, तो हमें कितना हम कंज्यूम करें और कैसे कंज्यूम करें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं इसका बहुत ही एक दिल एकदम खुश कर देने वाला उदाहरण है, मैं आपको दिखाता हूं। ये है थिमक्का, और जिनको पिछले साल पद्मश्री से नवाजा गया, और ये 80 साल से ज्यादा की महिला हैं, और इन्होंने 4 किलोमीटर लंबे हाईवे पर लगभग 400 पेड़, ओवरऑल 8000 थी लेकिन 4। और देखिए कितना सुंदर ये चित्र लग रहा है, खुद इन महिलाओं, इन अक्का बोलते हैं, अज्जी बोलते हैं वहां पर, इन्होंने 80 साल की हैं, इन्होंने और इनके कोई खुद इनके पुत्र नहीं और पुत्री, इनके कोई बच्चे नहीं थे, इन्होंने इन पेड़ों को ही अपना बच्चा बनाकर, बच्ची बनाकर उनकी अनवरत सेवा करी। और आज उसका नतीजा है कि वो जो 4 किलोमीटर लंबी जो सड़क है उसके ऊपर पूरे इनके द्वारा ही लगाए गए पेड़ हैं। उसीलिए मैं कह रहा था दानी पेड़, और वो द मैन हु प्लांटेड, वो कहानी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं हमें अगर कुछ और मैं ये भी कहना चाह रहा था, एंड उसकी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, लेकिन एक इंसान अपनी जिंदगी में जितनी सांस निकालता है, लगभग हमने देखा था ना 800 लीटर करीब हवा निकालता है, उतनी सांस को वापस से लेने के लिए, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से इस एनवायरनमेंट से हटाने के लिए लगभग 14 से 20 पेड़ चाहिए। तो अगर हमने अपनी जिंदगी में 14 पेड़ लगा दिए, लगाना नहीं खाली कि फोटो खिंचवाकर व्हाट्सएप पर डाल दी, नहीं, उनका संरक्षण करा, अगर उनको बड़ा कर दिया 14 से 20 पेड़। और इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, मेरे एक अभिन्न मित्र हैं प्रवीण भागवत पूना में, उनकी एक बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिवॉल्यूशनरी काम करा है। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड 14trees.org। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 14 अगर बड़े पेड़ लगा दें तो जितनी जिंदगी भर में अपनी हमने विषैली हवा निकाली है उसका एनवायरनमेंट से वापस लेकर उसकी लकड़ियां, खाद्य पदार्थ कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर हमने अपनी जिंदगी में 14 पेड़ लगाकर उनका संरक्षण कर दिया तो इस भार से कम हम विमुख हो जाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं आज की बात को अपनी विराम देना चाहूंगा। सिर्फ ये हम अगली बार से अगर हम देखें तो पेड़ों को देख पाए,
उनके वजूद को देख पाए, उनसे क्या हम सीख सकते हैं देख पाए, और उनके पास उनके तरफ थोड़ी कृतज्ञता का भाव हमारे मन में आए, क्योंकि उनके कारण ही हमें हवा मिली, उनके कारण ही खाना मिला, उनके कारण हम एग्जिस्ट करें, बिकॉज वी वर इवॉल्व बिकॉज ऑक्सीजन केम ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द ट्रीज, एंड उनके ही कारण जो हमने जो अपनी गंदी हवा निकाली उसका उन्होंने वापस से अंदर कर लिया. So I hope we could convince you to look at trees in a different manner. एक अलग दृष्टि से पेड़ों की तरफ हम देख पाएं और उसके अपना उसके प्रति हम जो भी अपना सहयोग कर पाएं. Thank you very much for watching and thank you very much and we will see you next week when we talk about something else.